प्राइम टाइम शो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्रांति संभव। आज के एपिसोड में आप अगर किसी भी तरह के ऑटोमोबाइल के एंथुजियास्ट हैं, दीवाने हैं, तो फिर सभी गाड़ियां आपको पसंद आने वाली है, क्योंकि एक एमपीवी लेके आए हैं, एक एसयूवी लेके आए हैं और एक टू व्हीलर भी है। तो क्या खास है आज के एपिसोड में, सबसे पहले आपको बताते हैं किया लेकर आने वाली है कैरेंस, और लॉन्च से ठीक पहले उसे ड्राइव करने का हमें मौका मिला। आज करेंगे टेस्ट ड्राइव किया कैरेंस टर्बोचार्ज पेट्रोल। वॉल्वो XC60 कैसी है गाड़ी, आज उसका रिव्यू। और टू व्हीलर की कहानी में आज चलाने वाले हैं हम TVS की रेडर। तो 7-सीटर SUVs कहें, MPVs कहें, रिक्रिएशनल व्हीकल कहें, जो भी कहें, लेकिन इन 7-सीटर सवारियों के सेगमेंट पे एंट्रीज काफी हो गई हैं। और लेटेस्ट है किया की कैरेंस लॉन्च होने में थोड़ा सा वक्त है, लेकिन उससे पहले टेस्ट ड्राइव का हमें मौका मिला और हमने टर्बोचार्ज पेट्रोल और डीजल मैनुअल ऑटोमेटिक इन सभी को चलाया, जिसमें सबसे पहले कहानी हम लेकर आ रहे हैं टर्बोचार्ज पेट्रोल किया कैरेंस की। शुरुआत करते हैं कुछ एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज से। एक तो यह है कि इंजन ऑप्शंस आपको इसमें तीन मिलेंगे, 1.4, 1.5 पेट्रोल, जिसमें से 1.4 जो है वो टर्बो पेट्रोल है। इसके अलावा आपके पास एक डीजल ऑप्शन भी 1.5 का मिलेगा। लुक्स की बात करें, सबसे पहले ही अगर हम यहाँ नज़र ऑब्वियसली आपकी जाएगी इसके चेहरे पर ही, और ये जो है वो हिस्सा सबसे आपको यूनिक और अलग दिखेगा। ये बिल्कुल ही अलग इसको आइडेंटिटी दे रहा है, स्पेशली जिस तरीके के LED DRLs के जो शेप है, मुझे वो काफ़ी कूल लग रहा है। बीच में जो पियानो ब्लैक फिनिश के साथ जो ग्रिल का ऊपरी हिस्सा है, वो भी ये काफ़ी प्रीमियम से फील इसको दे रहा है। साइड प्रोफाइल है, आप देखें, क्योंकि ये वाइट है तो और ज़्यादा उभर कर यहाँ नज़र आ रहा है। जिस तरीके क्लैडिंग और यहाँ पर डल मेटालिक इसके ऊपर फिनिश दिया गया है, वो फील जो है थोड़ा स्पोर्टी तो बना रहा है। ओवरऑल स्टांस अगर हम कहें तो जैसा आपको पता ही है, अलकजार वाली फील आएगी। किया कैरेंस की कहानी अंदर से। अब यहाँ सबसे पहली चीज जो मुझे यहाँ अच्छी और डिस्टिंक्ट लग रही है, वो है इस डार्क ब्लू शेड में, जिस तरह से लेदर रैप्ड ये स्टीयरिंग व्हील आपको देखने को मिल रहा है। फ्लैट बॉटम है, बीच में आपको डल मेटालिक फील दी गई है, और यहाँ ब्लूइश टिंज जो है ओवरऑल मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी यूनिक सा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जो स्मार्टफोन इंटरटेनमेंट के कनेक्टिविटी के अलावा क्रूज कंट्रोल का बटन भी कंट्रोल, और बाकी जो मेन्यू है वो आप एक्सेस कर सकते हैं इस बटन से। इंटरटेनमेंट पर हम अपना अटेंशन लेके जाते हैं। यहाँ अगेन वही पर्पलिश वाली थीम नज़र आ रही है। एक और एलिमेंट है जिसके बारे में मैं सबसे पहले बताना चाह रहा था, क्योंकि वो मुझे काफ़ी कूल लगा। जो भी हमने ड्राइव किया उस दौरान, जब मैंने मीडिया सेलेक्ट किया तो मेरे पास एक ऑप्शन था, और वो था इस ट्रैक का। यहाँ पर एक एम्बियंट साउंड या एक आपके लिए एक थीम साउंड मिल रहा है साउंड्स ऑफ नेचर के नाम से, जहाँ पर फिलहाल लाइवली फॉरेस्ट है, सी वेव्स है, रेनी डे है, ओपन एयर कैफे, वार्म फायर प्लेस। तो ये सारी जो आवाज़ें हैं वो आपको हो सकता है सुनने में लगे अटपटा कि इसकी क्या ज़रूरत है, लेकिन मैंने एक चीज़ महसूस किया कि इट वॉज एक्चुअली एडिंग वैल्यू। आप जब ड्राइव कर रहे हैं ट्रैफिक के बीच में, जब शांति वाली या जंगल की आवाज़ आपको मिलेगी, तो एक थोड़ा सा कामनेस ज़रूर आता है। यहाँ पे जो बटन्स हैं उसमें आप देख सकते हैं, एक तो ये बता रहा है कि जो सीट वेंटिलेटेड आपको मिल रही है फ्रंट की दोनों जो सीट्स हैं। इसके अलावा यहाँ पर कैमरा का बटन और हिल होल्ड असिस्ट वगैरह आप यहाँ पर से इस बटन से कंट्रोल कर सकते हैं। USB का पॉइंट है, प्लस सी टाइप चार्जर है, एक 12 वोल्ट का पॉइंट है। इसके ठीक नीचे आपको वायरलेस चार्जर भी इस वाले वेरिएंट में देखने को मिल रहा है। एक एलिमेंट ऐसा है जहाँ पे मैं उतना श्योर नहीं हूँ कि कस्टमर्स कितने इम्प्रेस होंगे, और वो है इस सनरूफ का साइज। क्रांति संभव रिपोर्टिंग फ्रॉम द सेकंड रो ऑफ किया कैरेंस। और यहाँ सबसे पहले तो इस सीट को मैं एडजस्ट कर लेता हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर ये सुविधा है आपके पास, और नी रूम उस हिसाब से कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। फिलहाल मैं ऐसे सेटिंग रखता हूँ जिससे कि थर्ड रो में भी हम जाके प्रॉपरली चेक कर पाएँ। मेरी हाइट 6'3" है, आपको फिर से याद दिला दूँ। एनीवे, थाई सपोर्ट मुझे अच्छा लग रहा है, बैक एंगल भी मुझे अच्छा लग रहा है, जो कुशनिंग है वो भी मुझे अच्छी लग रही है। AC वेंट आपको यहाँ पर ऊपर से
देखने को मिलेंगे। ये जो स्ट्रक्चर है वो आपको स्मार्ट प्योर एयर यानी एयर प्योरीफायर वाला जो मैकेनिज्म आपको आमतौर पर आर्मरेस्ट के पीछे देखने को मिलता है, तो यहाँ पर वो आप एयर प्योरीफायर देख सकते हैं। इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स में से एक थर्ड रो, क्योंकि अब सेवन सीटर अगर मामला है तो फिर थर्ड रो की सीट में जगह कितनी है, एक्सेस कितना आसान है वो दिखाते हैं। सबसे पहले तो मुझे एक चीज अच्छी लगी, वन टच सीट अप। जी हाँ, पावर्ड सीट है ये, जो 60-40 में डिवाइड होती नजर आ रही है, और इससे मैं काफी आसानी से एक्सेस कर सकता हूँ, एंट्री कर सकता हूँ थर्ड रो में। अब इसे मैंने ठीक है, सो मेरी हाइट जैसा मैंने बताया 60 के आसपास है, और वहाँ उस हिसाब से नी रूम तो आपको कम मिलेगा ही, थाई सपोर्ट भी मुझे कम मिल रहा है। एवरेज या छोटे बच्चों या फिर एवरेज इंडियन हाइट जो है उसमें, उससे जो थोड़े कम हाइट के लोग हैं उनके लिए जगह ये ठीक ठाक बन सकती है। इस थर्ड रो के साथ आमतौर पर हम सेवन सीटर्स में देखते हैं कि पीछे जगह बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन आप एक छोटे हैचबैक गाड़ी की तरह आपको जगह मिल रही है। Okay guys, let's talk about the drive of this car. जैसे आपको मैंने बताया ये है 1.4 टर्बो चार्ज पेट्रोल मैनुअल ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट, और इसके बारे में सबसे पहली चीज मेरे दिमाग में क्या आ रही है ड्राइव करके, वो ये आ रही है कि तेज तर्रार चुस्त गाड़ियों के शौकीनों के लिए ये वेरिएंट है। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि एक खास आरपीएम के बाद एक काफी तेज तर्रार ड्राइव देती है, पावरफुल ड्राइव देती है, और जो एक्सेलरेशन है वो भी मजेदार आपको लग रहा है। सस्पेंशन की बात करूं, हैंडलिंग की बात करूं, तो वहां पर एक अच्छा बैलेंस नजर आ रहा है, ये कार जैसी ज्यादा फील हो रही है। अगर मैं रिजिडिटी की बात करूं तो कंफर्ट साइड में आपको ये ठीक ठाक लगेगी, बहुत ज्यादा रिजिड ये नहीं लग रही है। हैंडलिंग के मामले में मुझे अभी तक तो अच्छी पकड़ वाली गाड़ी ये नजर आई है। जो NVH की क्वालिटी है वो थोड़ी सी और बेहतर हो सकती थी, अगर जब मैं एक्सीलरेट कर रहा हूँ, जब मैं इसे पुश कर रहा हूँ तो जो आवाज़ है वो मैं महसूस कर रहा हूँ कैबिन के अंदर भी, तो वहाँ पे हाईवे के ऊपर कई बार ये डिस्ट्रैक्टिंग या थोड़ा सा मजा किरकिरा करने वाला हो सकता है। सेवन सीटर गाड़ियों के सेगमेंट में जो जो फीचर्स की जरूरत होती है लगभग सभी कैरेंट्स में आपको देखने को मिलेंगे। साथ में दूसरी कतार की सीट को एक बटन से आप मोड़ सकते हैं जिससे कि तीसरी कतार में एंट्री आसान हो, वो इसकी यूएसपी एक तरह से हो सकती है। और इन सब के साथ कैरेंट्स टक्कर ले सकती है इस सेगमेंट में पहले से मौजूद कुछ जोरदार कंटेंडर से, चाहे वो ह्यूंडई की अल्कज़ार हो, टाटा की सफारी हो, MG की हेक्टर प्लस हो, या महिंद्रा की XUV700 क्यों ना हो। इन सब से भिड़ने के लिए फीचर्स और इंजन ऑप्शंस की लिस्ट तो किया कैरेंट्स में भरपूर है, अब जरूरत है एक जोरदार कीमत। लग्जरी कार सेगमेंट में बहुत सारी एंट्रीज हो रही है, सभी कंपनीज कुछ न कुछ प्रोडक्ट्स लगातार ला रही हैं इंडियन मार्केट में उन्हें धमाल जो मचाना, लेकिन वॉल्वो की बात करें तो ऐसे सुपर डुपर प्रोडक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला है। क्या XC60 वैसी सवारी होगी, जानते हैं इस रिव्यू में। नमस्कार, मैं प्रिय दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में, जिसमें हम आपसे आज बात करेंगे एक लग्जरी ब्रांड की फेसलिफ्टेड SUV के बारे में। ये है 2021 वॉल्वो XC60। डिजाइन में कुछ नए एडिशन हुए हैं, फीचर्स कुछ नए ऐड करे गए हैं, परफॉर्मेंस के हिसाब से अब डीजल के बजाय ये आती है पेट्रोल माइल्ड हाइब्रिड इंजन के साथ। शुरुआत करते हैं जो बदलाव इसके डिजाइन में हुआ है, तो सबसे पहला और मेजर बदलाव है वो है इसका ये नया फ्रंट ग्रिल जो आपको देखने को मिलेगा। बम्पर भी इसका रीडिजाइंड है, पहले से अलग है, एंड इसमें भी क्रोम का एलिमेंट थ्रू आउट आपको इसके बम्पर में देखने को मिलेगा, एंड हेडलाइट्स इसमें आपको LED मिलती हैं, एंड DRL भी वो थॉर का जो हैमर का
डिज़ाइन होता है अगर आप उससे वाकिफ हैं तो ये कुछ डिज़ाइन उस तरह से आपको इसकी गियरल का देखने को मिलता है। अलॉय व्हील्स का जो डिज़ाइन है वो भी अब पहले से बदला हुआ है। टेल लाइट्स का डिज़ाइन वही ट्रेडिशनल वॉल्वो वाला इसमें देखने को मिलता है जो कि LED इसमें दी गई हैं। स्टेयरिंग पर आते हैं तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में क्रूज कंट्रोल के बटन्स दिए गए हैं, राइट साइड में इसके MID और इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन्स यहाँ आपको देखने को मिलेंगे एंड वॉइस कमांड का बटन भी इधर दिया गया है। 3-spoke स्टेयरिंग व्हील है, देखने में स्टाइलिश और स्पोर्टी जरूर लग रहा है, प्रीमियम हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है। इसमें आपको ऑटोमेटिक 8-speed का ट्रांसमिशन दिया गया है, तो कौन से मोड में है, ड्राइव, रिवर्स, जिस मोड में भी है वहाँ पर आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा एंड मैनुअल में भी आप इसको स्विच कर सकते हैं। फिर आए इधर सेंटर में तो ये इसका वर्टिकली टैबलेट नुमा जैसा कि वॉल्वो गाड़ियों में हमें देखने को मिलता है ये स्क्रीन यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपको इंटीग्रेटेड गूगल इंटरफेस देखने को मिलेगा, गूगल मैप्स इसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड हैं तो ये आपको फ़ोन से कनेक्ट करने का कोई झंझट इसमें नहीं है। बट एक चीज़ जो मुझे लगा कि मिसिंग थी अगर इसमें एंड्रॉयड ऑटो होता तो देन 360° कैमरा यहाँ पे बटन दिया गया है, आपको उसका व्यू दिखाई दे जाएगा, लेफ्ट राइट आगे पीछे सब जगह का आपको व्यू देखने को मिलेगा। लेदर स्टिच डैशबोर्ड देखने को मिलेगा तो वो प्रीमियम वाला फील आपको इसके कैबिन में बैठते ही देखने को मिलने जरूर वाला है। जगह यहां पे भी है, 2 कप होल्डर्स का जगह है, इसको खोलेंगे, 12 वोल्ट का सॉकेट है, इधर भी दिया गया है एंड इधर आपको वायरलेस चार्जिंग पैड भी इसमें देखने को मिल जाता है। सनरूफ को ओपन करने के लिए भी टच स्लाइड दिया गया है, इसको आप पीछे की तरफ करेंगे तो सनरूफ ओपन हो जाएगी, पैनोरामिक सनरूफ दी गई है। अब पिछली कतार की बात करें इस 2021 वॉल्वो XC60 के बारे में तो अभी फिलहाल थाई सपोर्ट काफ़ी अच्छा देखने को मिल रहा है, सीट्स आगे भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही थी, पीछे भी काफ़ी कंफर्टेबल फील हो रही हैं। हालांकि SUV है, बड़ी गाड़ी है, कंफर्ट के हिसाब से, प्रीमियम फील के हिसाब से ये पीछे से भी उतनी प्रीमियम लग रही है जितनी ये फ्रंट रो से लग रही थी एंड यहाँ पे इसका ये आर्मरेस्ट दिया गया है, इसमें आपको 2 कप होल्डर्स देखने को मिलेंगे एंड इधर से आप बूट भी एक्सेस कर सकते हैं। शुरुआती एक्सपीरियंस की बात करें तो शुरुआत में बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग आपको इसका ड्राइव बेशक ना लगे बट वो एनफ किक शुरुआत में आपको ज़रूर महसूस होगा जब आप एक्सेलेरेटर पर पहली बार पैर रखेंगे। उसके अलावा टॉर्क भी शुरुआत में काफ़ी अच्छे से डिलीवर होता है, ये नहीं कि वो लेटेस्ट स्टेज पर आए बट शुरुआत से ही आपको अच्छा टॉर्क डिलीवरी वॉल्वो की इस XC60 माइल्ड हाइब्रिड में देखने को मिलता है। फिर आते हैं ब्रेकिंग डिपार्टमेंट में तो ब्रेकिंग भी प्रिसाइज है, वहाँ पर भी कोई दिक्कत महसूस नहीं होगी। सस्पेंशन सेटअप जो है वो एक ऐसी चीज़ है जो आपको और ज़्यादा कंफर्टेबल ड्राइव वाला एक्सपीरियंस इस वॉल्वो की XC60 मिलेगा, चाहे आप तेज़ रफ्तार में हैं, धीमी रफ्तार में हैं, अचानक से स्पीड ब्रेकर या गड्ढे आपके सामने आते हैं तो सस्पेंशन काफ़ी अच्छे से उन गड्ढों को या उन झटकों को एब्जॉर्ब करता है और आपको एक बेहतर और अच्छा ड्राइविंग एक्सपीरियंस इस वॉल्वो XC60 के सस्पेंशन सेटअप में देखने को मिलता है। फिर ओवरऑल बात करें एज अ पैकेज ये वॉल्वो की XC60 माइल हाइब्रिड कैसी है 2021। अब कंपटीशन में जो गाड़ियां हैं जैसे कि मर्सिडीज GLC है, BMW X3 है और ऑडी Q5 इसके आसपास आपको देखने को मिलेंगी बट वॉल्वो एक ऐसा पैकेज है जो आपको इन सभी गाड़ियों से एकदम डिफरेंट तरह का लेआउट इस गाड़ी में देखने को मिलता है। परफॉर्मेंस के हिसाब से थोड़ा बहुत बेशक आपको कमी महसूस हो बट इन टर्म्स ऑफ ड्राइव कंफर्ट, इन टर्म्स ऑफ टॉक डिलीवरी एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी और अगर साथ ही साथ आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हैं इस सेगमेंट में जो आपको एक डिस्टिंक्ट या एक अलग पहचान दे इस सेगमेंट में जो गाड़ियाँ हैं उनके मुकाबले तो आपके लिए ये वॉल्वो की XC60 2021 एक अच्छा पैकेज जरूर है। TVS Raider थोड़ी ही देर में चलाएंगे हम, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश की अगर कोई फरमाइश है, कोई सवाल है, कोई कंफ्यूजन है तो अपने संदेश आप हम तक पहुंचा सकते हैं, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स आपके सामने हैं। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।